ओम श्री गणेशाय नमः, नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि आज जो यह क्लास में प्रारंभ करने जा रहा हूं यह है संधि, और आप लोगों को पता है कि संधि से एक दो क्वेश्चन हमेशा बन करके आता ही रहता है, चाहे वो कोई भी टेट हो, संधि से क्वेश्चन पक्का है आएगा, और यहाँ तक कि इससे हिंदी में भी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पढ़ोगे दोनों में काम कर जाएगा। अभी तक जो आप लोग संधि पढ़े होंगे, कोई भी लोग आते हैं संधि पढ़ने तो या पढ़ाने के लिए, हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं, तो क्या करते हैं, सीधे बताते हैं वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, मेल या मिलाप को संधि कहते हैं, और वे उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और स्वर संधि में जो चार पांच संधियों के ऊपर, पांच संधियों के ऊपर जाकर वो चर्चा करते हैं, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, इस पर तो चर्चा भी नहीं करते हैं, जबकि यूपी टेट में उससे क्वेश्चन आजकल आ रहा है, आप लोग देखे होंगे, सुपर टेट भी आ सकता है। तो वो क्या करते हैं कि वही दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि, इस पर चर्चा कर करके आगे आते हैं, व्यंजन संधि पे एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद विसर्ग संधि पे खत्म कर देते हैं, और जब ये फिनिश हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, आप ही लोगों में से इसमें से बहुत सारे लोगों को यह तक नहीं क्लियर हो पाता है कि जो हम संधि पढ़े उसमें होता क्या, इसमें करते क्या है हम, उनको ये भी क्लियर नहीं हो पाता। बड़े आश्चर्य की बात है कि अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संधि में क्या होता है, वर्ण जुड़ते हैं, पद जुड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, घबरा जाते हैं बच्चे, नहीं कर पाते। तो मैं आप लोग बता दूं, अच्छा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा, संधि में क्या होता है, होता क्या है, कहेंगे मेल होता है, मिलाप होता है, अच्छा संधि के फलस्वरूप उसमें क्या क्या चीजें, संजिंग कहाँ कहाँ आती है, ओ पूरी तरीके से उनके पास आंसर नहीं होता। तो कहाँ संधि होगा, कहाँ नहीं होगा, किसके बीच में संधि आवश्यक है, कहाँ संधि आवश्यक नहीं है, और किस प्रकार के मेल को हम संधि कहेंगे, ये सब बहुत सारी बातों को नहीं क्लियर हो पाते। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संधि क्या होता है, कब वर्ण मिलेंगे तब हम संधि बोलेंगे, कब हम संधि नहीं कहेंगे, संधि होने के लिए क्या आवश्यक है, और फिर आगे कि संधि किसके किसके बीच में होंगी, और संधि जब कार्य होगा तो उसमें क्या परिवर्तन है, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं संधि में, तब जाकर करके हम ये समझ पाते हैं कि वास्तव में संधि है क्या, तब हम समझ पाते हैं कि संधि है क्या। और जब हम संधि को समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम चलेंगे कि संधि के प्रकार कौन से हैं, फिर हम स्वर संधि के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम व्यंजन पे, तब विसर्ग पे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बार बार स्वर संधि ही पढ़ते हैं, वो स्वर संधि पढ़ते पढ़ते बहुत सारा टाइम भी उनका लग जाता है, फिर कहते हैं चलो बहुत हो गया, जैसे क्वेश्चन हमसे कुछ करने लगे, कुछ चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब धैर्य नहीं है उनके अंदर। और जब धैर्य नहीं है तो कारण क्या होता है कि स्वर संधि से क्वेश्चन आता है तब तो कर लेते हैं, लेकिन जो ही व्यंजन संधि या विसर्ग संधि से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है फिर उनकी दिमाग जो है इधर उधर होने लगता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग संधि थोड़ी बड़ी एक चैप्टर ही है, कहिए एक पूरा पूरा बड़ा सा इसका टॉपिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। स्वर संधि को आप, हमको मालूम है कि आप आसानी से कर लेते होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, वो ठीक है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ उतनी ही लापरवाही किए हैं जितनी कि आप स्वर संधि के साथ में बड़ा चतुराई किए, मैंने समझते होंगे कई बार पढ़ते होंगे, लेकिन उतने ही टाइम्स आप व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से दूर। और ये भी जानने की कोशिश बहुत कम लोग किए होंगे कि संधि में क्या होता है, क्यों होता है, किसके किसके बीच में आने पे होता है, किस तरीके से बदलाव होता है, और रटने की चक्कर छोड़ कर करके आप लोग सूत्रों को समझिए, सूत्रों के माध्यम से उसके पूरे थियोरी को समझिए, और आप, हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा समझेंगे भी, समय से समझेंगे, और कतई भी आप स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे, भागने की कोशिश नहीं करेंगे, आप एक एक टॉपिक को समझिए, एक बार समझ जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल बना लेंगे, और पता चला कि आप बहुत सारे 10-20-25 एग्जाम्पल रट भी लिए लेकिन सही तरीके से नियम नहीं जानते हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आप शब्द सिद्धि भी नहीं कर पाओगे, और कौन सा शब्द इससे शुद्ध बनेगा, वो शुद्ध फार्म उसका कौन सा है, ये आप नहीं जान पाओगे, और आप आगे कई जगहों पे क्या करोगे, गलती पे गलती करते। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग
जो है पूरे सेशन में पूरे संधि में ध्यान से पढ़ेंगे करेंगे। और आज जो हम सेशन प्रारंभ कर रहे हैं यह संधि में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, क्वेश्चन पूछते हैं संधि शब्द में कौन सी धातु, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कई बार पूछते हैं कौन सा प्रत्यय है, कई बार पूछेंगे संधि कैसा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन सा शब्द है, और ये भी पूछेंगे कि कहां संधि अनिवार्य है, कहां संधि अनिवार्य नहीं है, संधि में क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं संधि में। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके या जो प्रथम दिवस की क्लास है इससे ही निकल करके चले आएंगे। आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन उसके पहले यह डिटेल क्लास बहुत ही जरूरत है इसकी। तो आप सभी लोगों को मैं ले चलता हूँ सीधे क्लास में। अब हम लोग बात करेंगे संधि पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी अगर हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वह जो शब्द जैसे प्रत्यय किससे बना है, उपसर्ग किससे बना है, संधि किससे बनी है, समास किस शब्द से बना है, उसकी उत्पत्ति क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि संधि बना कैसे है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन से प्रत्यय हैं। आपको पता होगा कि इन्हीं सबसे मिलकर करके कोई शब्द बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब सम उपसर्ग, ध्यान देना यह क्या है, सम उपसर्ग है, क्या है, सम उपसर्ग है, यह किससे जुड़ता है, धा धातु से, यह क्या है, सम उपसर्ग जब धा धातु से जुड़ता है और जुड़ता है की प्रत्यय। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि केवल बस दो ठो ही नाम है कृत प्रत्यय तथा प्रत्यय वो सब चीज, तो उसके आगे भी और निकलो, उससे बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। आप आरणी अष्टाध्याय में जो है तीन अध्याय में केवल बस क्या बात किए हैं, केवल संधि सॉरी प्रत्यय के बारे में चर्चा की है। तो छोटी मोटी प्रत्यय के चैप्टर नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितने हैं वो आप इतना पढ़ेंगे, और जितने सिलेबस में है मैं उसको बिल्कुल ध्यान में रखा रहता हूँ, उसी तरह से चलता हूँ, घबराने की बात। तो सम उपसर्ग है, धा धातु में जब की प्रत्यय लगता है तब शब्द बनता है संधि, और जो संधि है वो हो जाता है आपका यहाँ पर पुल्लिंग। मैं आपको एक छोटी सी बताएंगे और सामान्य क्या जनरल रूप में, कहीं इधर उधर हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है मेरा अनुभव हम देखे हैं कि जहां भी आपका विसर्ग वाला है लगा है, मांग चलना पुल्लिंग वाले ही आते, वो मांग चलना पुल्लिंग वाले विसर्ग संधि तो हो जाएगा पुल्लिंग, रमेश सूर्य सब पुलिंग ना, तो सम धन धा धन की बराबर संधि। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि शब्द में कौन सी धातु है, आप बता देना कौन सा उपसर्ग है, ये बता देना, आपका यहां से एक क्वेश्चन इसी से बन जाता है। इसका दूसरा जो एक लाइन बनता है, अब चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक की ओर, दूसरा पॉइंट की ओर जहां से क्वेश्चन इसका और बनता है, वह दूसरा पॉइंट क्वेश्चन आएगा संधि शब्द का अर्थ क्या। तो यहां पर हम लिख देते हैं संधि शब्द का अर्थ, और एक चीज यहां से आप कंफर्म कर लीजिए कि संधि शब्द का अर्थ केवल कहीं लिखा होगा कि मेल या कहीं मिलाप, या फिर आप कह देंगे योग, या फिर कह देंगे जुड़ना ना, लेकिन क्या उतना ही पर्याप्त है। तो संधि शब्द का अर्थ ठीक है, मेल है, योग है, जुड़ाव है, लेकिन जो हम यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं यहाँ वर्णों का योग है, यहाँ वर्णों का जुड़ाव होगा, विकार सहित योग होगा, दो वर्ण मिलेंगे और उसमें विकार होगा, अगर विकार नहीं होगा तो संधि वो नहीं कही जाएगी। जब हम संधि चैप्टर पढ़ रहे हैं संस्कृत में संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वैसे आप लोग सिंपली जानते हैं संधि मतलब जोड़ होता है, संधि मतलब योग होता है, संधि मतलब मिलाप होता है, केवल उतने के अर्थ, केवल एक शब्द के अर्थ में अगर आप जाओगे तब ना, लेकिन वास्तव में इसके इसके पीछे की मूल बात को सोचो, कैसा जोड़, कैसा मिला, किसका योग, किस तरीके का योग, उसके पीछे जाओ। तो जब दो वर्ण जुड़ेंगे और उनके बीच में विकार भी उत्पन्न होगा तभी उस वाले जोड़ को हम संधि कहेंगे, अदरवाइज हम जोड़ को संधि नहीं कहेंगे। अब ब ऐसे अगर हम यहां पर लिख दें, अगर हम यहां पर लिख दें ऐसे ऐसे मान लीजिए लिख दें हम रवि और लिख दें र अ व ई और बना दे रवि, तो क्या यहाँ पे संधि हुई है, ये भी तो जुड़ रहा है, ये भी तो जुड़ रहे हैं, र में अ जुड़ गया, र बन गया, व में ई जुड़ गया, वी बन गया, रवि बन गया, तो क्या या इस टाइप को हम संधि लेंगे, नहीं ले पाए। इसीलिए आप कई जगहों पे देखे होंगे कहीं लिख दिया जाता है इस तरीके का
जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया जाए बालकावपि, ना तो ऐसे लिख दिया जाए बालक आवपि, तो क्या इसके बीच में अगर हम जोड़ दें तो बालकावपि बनाने संधि बन जाएगा, संधि नहीं बन। अब तब इसको क्या कहेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ वर्ण योग हो रहा है, वर्ण संयोग हो रहा है, क्योंकि जब आप संयोग पढ़े होंगे संयोजन और वियोजन, ठीक है, तो जब संयोग पढ़े होंगे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन तो आप उसमें पढ़े होंगे बालक कैसे बना है, तो लिखेंगे ब आ ल अ क, बालक ए क हलंत के साथ, अगर यही होता बालका वपि तो उसके आगे हम और भी लिखते। तो अब सोचने वाले ये क्या, ये वर्ण वियोजन, वर्ण वियोजन है या वर्ण, जब इसको हम मिला देंगे तो वर्ण संयोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे संधि कार्य नहीं हुआ, बालका वपि बनाने के लिए यह सही नहीं रहेगा, इसलिए वाला गलत हो जाएगा। तो उसका दूसरा होगा अयादि संधि से, जब हम बताएंगे जब सर पढ़ाने लगेंगे तो उसमें हम उसको करवा देंगे बालका उसे कैसे बनेगा, अपि तब बनेगा बालका वपि, तो सब सारे बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान देना संधि क्या है, तो दो वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। यहाँ संधि जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब यह है, केवल जोड़ या केवल विकार कह देना केवल उसका शाब्दिक अर्थ होगा। अगर हम यहाँ लिख दे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, मेल या योग, लेकिन किसका, वर्णों का, किस तरीके का, किस तरीके का मिलना, मेल यहाँ पे लिख लो मिलना भी मिलना, लेकिन किस तरीके का मिलना, किस तरीके का विकार सहित, किसका, किसी पद का, अलग अलग पद जोड़ दोगे तो वहां पर संधि इस तरीके से काम नहीं करे, हम पद को नहीं एक दूसरे में जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब वर्ण जुड़ते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है संधि में क्या होता है, संधि में वर्ण जुड़ते हैं, समास में जानते हैं समास का समासिक पद बनता है, उसका विग्रह होता है, जबकि संधि में विग्रह नहीं होती है, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद बोलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, किसी एक वर्ण जो दिया गया है उसको तोड़ते हैं, वो अलग होता है, वो पूरा टूटता है निकलता है, तो यहाँ पे हम विच्छेद बोलते हैं, विच्छेद करना कहा जाता है, जबकि वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे हम लोग बोलते हैं समास विग्रह। ध्यान दीजिएगा मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, वहां समास विग्रह प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ बोलते हैं संधि विच्छेद। तो ये सब छोटी मोटी जो बातें हैं आप लोग विशेष ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं और आप भी स्किप कर दोगे। जो जो भी हम संस्कृत में पढ़ रहे होते हैं, जो संस्कृत की एक दो लाइन की परिभाषा होती है, उसको आप लोग विशेष ध्यान देके समझा कीजिए, विशेष ध्यान दिया कीजिए, कई बार उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखो मूल बात की ओर चल रहे हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में संस्कृत को आपको संधि इसके समझनी है, इसको आत्मसात करना है अंदर से कि हाँ ये शब्द ऐसा हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है, केवल शब्द के पीछे ना जाना है कि हाँ विद्याधनालय विद्यालय कैसे बना, क्यों बना, क्या जुड़े हैं इसमें। अगर कोई क्वेश्चन कर देता है कि एच ओ अय वाय आव है, जब एच के बाद में कोई स्वर आए तो यह फलाने ढकाने हो जाए, अय अव आय आव हो जाए, और पता चला कि उसमें हम एच ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम स्वर ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कहाँ से स्वर निकालेंगे, किस वाले स्वर का, किस वाले के योग में, किसको हटाना है, किसकी उपस्थिति में किसको लाना है, सारी कंडीशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये प्रथम दिवस से ध्यान पूर्वक समझेंगे तब। तो सबसे बात यहाँ पे निकल के आई परिभाषा, तो परिभाषा क्या कहोगे इसका, और कई बार इसी से लाइन बन करके आ जाता है, क्या होता है, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, फिर से सुनिएगा ध्यान से, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, अर्थात वर्णानाम, वर्ण मतलब वर्णों का, वर्णानाम परस्परम, वर्णों का परस्पर विकृत मत, विकृत विकार सहित विकृत मत संधानम माने जुड़ना ही क्या होता है, संधि, ठीक, संधान कर, तो क्या हो जाएगा, वर्णानाम, मैं लिख दे रहा हूं आप लोग लिख लेना, वर्णानाम परस्परम, वर्णानाम परस्परम, तो कहीं की गलती हो जाता है, बोल देते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, छूट जाता है, ध्यान देना कि हम कभी कभी लिखने के बाद सोचते हैं कि गलत तो नहीं लिख दिए, तब उसको आप ध्यान से देखना, थोड़ा टेढ़ा हो गया इसलिए मिटाए, सही लिखे थे, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है।
वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम विकृति मत संधानम संधि। क्या मिला? वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। वर्णों का परस्पर विकार पूर्वक या विकार के साथ संधान करना ही संधि है। वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। वर्णों का परस्पर विकार सहित संधान करना संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। वर्णों का परस्पर विकार पूर्वक मिलना ही संधि कहलाता है। विकार पूर्वक अगर नहीं होंगे तो संधि नहीं होगा। विकार पूर्वक मिलना ही संधि कहलाता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण एक दूसरे के पास आए और उन जब पास आते हैं तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक नया वर्ण या कुछ विकार उत्पन्न हो जाए उनके पास आने से, तभी वह संधि कहा जाएगा, अन्यथा संधि नहीं कहा जाएगा। अन्यथा संधि नहीं कहा जाएगा। तो आप लोग इस लाइन को ध्यान से एकदम अच्छे से सुनो, धारण करो। और मैं गाता इतना क्यों हूं, मैं इतना बार बार दोहराता क्यों हूँ, क्योंकि ये संस्कृत है। हमको मालूम है बहुत सारे लोगों को संस्कृत थोड़ी टेढ़ी लगती होगी या उनको याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन यही काम अगर आप अकेले करते तो जरूर कठिन लगता। ये काम आप हमारे साथ कर रहे हैं, अतः हमें बिल्कुल भरोसा है कि अगर आप दोहरा रहे होंगे तो आपको कोई चीज कठिन नहीं होगा। आप एक बार हमारे साथ दोहरा लेंगे, आप एक दो बार अपने आप दोहराएंगे, अच्छे से कर लेंगे। ध्यान सुनना। वर्णानाम परस्परम कृतिमत संधानम संधि। वर्णों का परस्पर विकार पूर्वक संधान करना ही संधि है। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। अब हिंदी में नहीं लिखूंगा, अब हिंदी में लिख दूंगा तो आप लोग तो वैसे भी कर लो। लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं, लिख लो, नहीं तो कुछ लोग बाद में जो नोट्स पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा और फिर कहेंगे गुरुजी अच्छा नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया तो अच्छा नहीं पढ़ाए हैं। वर्णों का परस्पर विकार सहित मिलना, वर्णों का परस्पर विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। वर्णों का परस्पर विकार सहित मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ऐसा तो ये आप लाइन को अच्छे से पढ़ना है। बहुत जरूरी है बात है कि विकार सहित मिले कौन? वर्ण। वर्ण माने अक्षर। अक्षर का विकार सहित मिलना ही संधि होगा। अगर विकार नहीं उत्पन्न होता है तो संधि नहीं कही जाएगी। ये बात एकदम ध्यान से देख लीजिए। अगर विकार नहीं उत्पन्न हुआ तो संधि नहीं। कैसे? जैसे उदाहरण समझ लो, जैसे महाधन ईश। अब ए बिल्कुल सरल है, सभी लोग जान गए होंगे कि इससे महेश बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा, क्यों किस तरीके से परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम बिल्कुल थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे कैसे वर्ण विकार हुआ है ये बता देते हैं, पूरी नियम हम आगे संधि कार्य में समझेंगे। तो जब इसको हम अलग करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर वर्ण निकालने, एक वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ते हैं, तो इसको वर्ण विच्छेद करेंगे। तो मह, म में भी अगर हम अलग करेंगे तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे म आ, आ, फिर आ, फिर ई, फिर श, इस तरीके से, मतलब आगे जो है आगे करेंगे। इसमें हमको यह वर्ण और यह वर्ण देखना है, यहाँ तो स्वर है इसके आगे छोड़ दो, उसके आगे हम नहीं करेंगे।
तो हम पूरी चीजें ना कर करके जो जहां पे वर्ण संयोग होने वाला है, जहां पे विकार उत्पन्न होने वाला है, बस उसी को हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो इस वाले वर्ण का यहाँ जो महाहा में वर्ण वियोजन करेंगे पता चलेगा कि क्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, म पूरा लिख दीजिए, ह में से आ को बाहर कर दीजिए, तो ह और आ से हा बना होता है, और यहाँ पर लिखेंगे हम ईश, क्या लिखेंगे, ईश, ईश्वर है ऑलरेडी। अब आ का ई के साथ में योग होने पर इन दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, और जब ए मिलते हैं तब ए बना लेते हैं। अब ए कैसे बना लिए, क्यों बना लिए, इन सब के बारे में हम संधि में आगे पढ़ेंगे जब हम इसके चर्चा को करेंगे आगे, जब आगे हम इसको चर्चा करेंगे तो आगे समझेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, म ह ए शह। नियम कहता है कि अगर यहाँ स्वर वर्ण है, इसके पीछे अगर कोई व्यंजन वर्ण होता है यहाँ पर, तो यह इसको पूरा कर देता है और अपना चिन्ह छोड़ देता है। तो क्या होता है यहाँ पर, म हे सह, चिन्ह का मतलब क्या है, एक ही मात्रा जो लगी है वह यहाँ पर दिखाई देगा। तो क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया, महेश। महेश कैसे बना, यहाँ पर आ और ई के साथ मिलने से ए बना है, जब आ में ई जोड़े हैं तब ए बना है, अर्थात आ वर्ण के साथ में ई का संयोग हुआ और यहाँ पर जो फाइनल आंसर मिला ए, अर्थात इन दोनों वर्णों के परस्पर मिलने से इसमें विकार उत्पन्न हुआ है और इसके विकार उत्पन्न होने से आ और ई से ए बना है, अर्थात हम कहेंगे इसमें संधि हुई है, इसमें संधि हुई है। और अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखें, छोटा एग्जाम्पल लिखें और आपसे पूछे क्या उसमें संधि हुई है, तो क्या बताओगे आप, ध्यान से देखें। अगर हम यहां लिख दें ब धन आल ना, और फिर आलक लिख दें, ब धन आलक, अब कोई कह दे बन जाएगा बराबर बालक, क्या यहां संधि कार्य हुआ है, तो आप कहोगे यहां संधि कार्य नहीं हुआ, यहां संधि कार्य नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ जो वर्ण ब है यह आ के साथ में मिलने से सीधे बा बन जा रहा है, अर्थात ब में जब हम आ को जोड़ रहे हैं तो यह बन रहा है बा, यहाँ किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि इसको हम कहते हैं वर्ण का संयोग हो रहा है। क्या हुआ है, वर्ण का संयोग हुआ है, ब में आ के मिलने से बा बना है, यहाँ वर्ण संयोजन हुआ है, वर्ण मिले तो जरूर हैं लेकिन चूंकि यहाँ विकार सहित नहीं मिले हैं इसलिए यहाँ कोई संधि नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ क्या कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, वर्णों का परस्पर विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। अगर वर्ण मिले और उसमें विकार न उत्पन्न हो तो वह संधि नहीं कही जाती है। इस बात को एकदम अच्छे से समझ लो, गठियाए लो, अदरवाइज हो नहीं पाएगा, कहीं भी आप संधि लगोगे टपकाने और वो क्या हो जाता है, सही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर संधि नहीं हुआ है, इसको हम मूल जो है नोट्स में इसको नहीं देना चाहेंगे, नहीं बाद में आप लोग तो समझ लोगे जो क्लास देख रहे हैं, जो लोग क्लास नहीं देख रहे हैं सीधे नोट्स देखेंगे वो घबरा जाएंगे कि यह कौन सा संधि बनाया, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लोग गायब रहेंगे उसमें, तो नोट्स वही देखे जो पढ़ाया तो ज्यादा अच्छा। अब बात यहाँ पे आया कि संधि के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं संधि के लिए आवश्यक तत्व तो बराबर संहिता, संधि के लिए क्या है, संधि के लिए अनिवार्य तत्व, ध्यान देना, संधि के लिए अनिवार्य तत्व तो है, क्वेश्चन आता है तो संधि के लिए अनिवार्य तत्व तो संहिता हो, क्या होता है, अब संहिता क्या होता है, इनमें से आप सभी लोगों ने संहिता संज्ञा हमारे साथ पढ़ा होगा कि संहिता क्या होता है, संहिता दो वर्णों का आप बहुत समीप आ जाना, बहुत पास आ जाना, सन्निकट, अत्यंत, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता का,
संहिता किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट आना संहिता कहलाता। जब तक दो वर्ण एकदम पास नहीं आएंगे तो आप बताओ कि संधि कैसे होगा, कैसे उसमें विकार होगा। जब तक दो लोग पास नहीं आएंगे झगड़ा कैसे करेंगे, विकार कैसे करेंगे, मारपीट तोड़ मरोड़ सब कैसे। तो संधि के लिए क्या होना चाहिए? संहिता का होना जरूरी है। और संहिता किसे कहते हैं? दो वर्णों का अत्यंत समीप आना ही संहिता कहलाता है। जब मैं बार बार बोलूंगा संहिता जरूरी है तो आप समझ लेना कि उसको उसका पास आना जरूरी है। अब ऐसा यहां पे नहीं हो सकता कि रमाधन ईसा, अब ये कह दो कि यह जो ई वर्ण है इसके अ से जो है जुड़ने लगा, मतलब इसको तोड़ के निकाल दो, र और अ और मा और ई और सह, कह दो इस अ के बाद में यह ई आया है इसलिए यह ई इस अ से मिलके ए बन गया और र में जोड़ के लिख देना रे, फिर लिख देना रे मा सह। ये काम गलत है, जंपिंग नहीं है। दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट अत्यंत पास आना मतलब जस्ट इसके बीच में कोई अन्य वर्ण न हो, अर्थात ई के जस्ट इधर वाला कौन सा होगा? तो आ से होगा, मन भी नहीं होगा। अगर कोई कहे कि गुरुजी इसमें म को लेंगे कि आ को लेंगे तो ध्यान देना यह आ को लेंगे। कभी कोई कोई बच्चा हमको एक बार बता रहा था कि सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते म आ को आम, तो एक बार ध्यान देना यह आम मत लिख देना, म के बाद आ लगता है, आ के बाद म नहीं जुड़ा होता, इसको इसका नियम। तो यहाँ पे जो अत्यंत सन्निकट वर्ण आएगा आ के साथ ई जब जुड़ेगा तभी यहां संधि होगी। तो संहिता के लिए नजदीक का दोनों वर्ण चाहिए, उसके बीच में अर्थात कोई भी वर्ण न रहे तभी संहिता होगी, तभी संहिता हो सकती है, अदरवाइज संहिता नहीं होगी। ये कहो कि बीच में दो चार वर्ण ऐसे छोड़ के फिर चलो आओ यहाँ पे आओ वर्ण संयोजन करो, नहीं हो पाएगा संधि। क्यों? क्योंकि संधि के लिए संहिता का होना जरूरी है। संहिता का अर्थ क्या है कि वे वर्ण दोनों एकदम बिल्कुल पास होने चाहिए। बिल्कुल पास होने का क्या मतलब है कि वे वर्णों के दोनों वर्णों के बीच में कोई अन्य कोई वर्ण फंड कुछ ना आना चाहिए, तभी वह संहिता कर पाएगी, तब वो संहिता का कंडीशन जनरेट होगा, अदरवाइज संहिता नहीं होगी। और जब संहिता नहीं होगी तो संधि का कोई औचित्य ही नहीं कर, तब संधि को उसको तब उसको संधि कहना ही मत। ये जो कर रहे उलट फेर वो सब संधि नहीं कही जाए, ठीक है। हमारी समस्या आप लोग संहिता पढ़ लिए होंगे। इसका सूत्र होता है पर सन्निकर्षः संहिता, मैं लिख दूं ताकि बाद में आप लोगों को याद रहे, भूल जाएंगे। क्या हो जाता है? पर सन्निकर्षः पर सन्निकर्षः संहिता, इसको याद करना। मतलब जब दो वर्ण होते हैं ना बिल्कुल एकदम पास आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम पास आ जाते हैं तभी क्या होता है, तो वही क्या होता है, संहिता हो जाता है। पर सन्निकर्षः संहिता, उसके संदर्भ में एक लाइन है, इसको याद करना। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पर सन्निकर्षः का, पर सन्निकर्षः डाट डाट डाट, तो आप कहोगे पर सन्निकर्षः संहिता। क्वेश्चन लिख देंगे पर सन्निकर्षः डाट 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 उपसर्ग प्रत्यय संहिता संधि, आप कहोगे संहिता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट आना ही क्या होता है? संहिता कहलाता है। संहिता होने के लिए दो वर्णों का अत्यंत पास आना चाहिए, संधि के लिए भी संधि के लिए संहिता का होना जरूरी है, ठीक। संधि तभी होगा जब संहिता होगी, सब विदाउट संहिता के संधि नहीं हो पाएगी। अब बात यहाँ पे आती है कि जब ये दो वर्ण पास में आते हैं तो कहाँ कहाँ संहिता मानी जाएगी, कहाँ कहाँ संहिता नहीं मानी जाएगी, एक बात आता है। तो इसके संदर्भ में एक श्लोक मैं आप लोगों को गा रहा हूँ, बार बार श्लोक का गायन और वाचन ये सब जरूरी है, करते रहना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे कि संधि में क्या करते। तो ध्यान सुनना कि संहितक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षामपेक्षते, वाक्ये
तुषाविवक्षामपेक्षते संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुषाविवक्षामपेक्षते। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिखना बहुत जरूरी होता ताकि आप लोग लिखेंगे तभी रिवाइज कर पाएंगे, तभी आप लोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओम श्री हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं पहले संहिता। इसके लिए एक श्लोक जो है ना, संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक जो लाइन दी गई है, श्लोक जो दिया गया है उसको आप समझिए। तो संहिता एक पदे नित्या, संहिताक पदे नित्या, संहिताक पदे नित्या नित्या धातु प सर्गयोः। संहिताक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। अब इसका क्या अर्थ है थोड़ा इसको समझ लेते हैं ना, क्या है संहिताक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। इसका मतलब समझ लीजिए, संहिता एक पद में, संहिताक पदे नित्या, नित्य माने हमेशा, संहिता एक पद में नित्य होती है, ध्यान देना संहिता एक पद में नित्य होती है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं संहिता एक पद में नित्य होती है, ठीक, अर्थात पद में होती है, एक पद में संहिता। फिर कह रहे हैं नित्या धातु उपसर्गयो, संहिता धातु और उपसर्ग के बीच होती है, धातु यहां दीर्घ संधि हुआ संधि के नियम से, ध्यान देना धातु और उपसर्ग के बीच नित्य होती है, उपसर्ग बीच होती नहीं नित्य होती है, संहिता धातु और उपसर्ग के बीच पक्का है कि होगा, ये ध्यान देना, यह धातु और उपसर्ग, धातु और उप मिला करके दीर्घ हो जाए तो धातु उपसर्गयो संहिताक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, मतलब धातु और उपसर्ग के बीच में पक्का संधि होगी, इतना ध्यान देना। जैसे अधिधन आस्ते अध्यास्ते ना, इस तरीके से तो वहां पे बनेगा जरूर, संधि जरूर होगी ना, जैसे सुधन आगतम में जब जाते सुधन आ तो सु आपका स्वागतम बनाते, अच्छा वहां भी छोड़ दो, आप यहाँ पे बनाते होंगे कहां से बनाते थे, जैसे अभी बताया अध्यास्ते और अध्या अध्या अध्यागत आगतम में जोड़ दोगे तभी हो जाएगा, और कोई ऐसे बनाओगे बन जाएगा, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। हाँ अभी देखो दिमाग ही नहीं आ रहा, अभ्युदय हमें भी बनाओगे तो अब उसमें भी बन जाता है, अभ्य और उदय वाले में ध्यान देना तो उसके बीच भी बन जाता है, और भी बहुत सारे जगह पे बनता है, जैसे विधन आंग धन क्री वाला तो व्याकरणम में भी बन गया, सम धन क्री जोड़ोगे संस्कृत बनाते हुए वहां भी संधि हुई है, वैसे बहुत हर शब्द में ही जहां देखोगे धातु और उपसर्ग अगर आया है तो उसके बीच में संधि स्वभावतः अपने आप हो जाएगी, और नित्य माने आवश्यक है, होना ही हो। करें नित्या समासे, संहिता समास में नित्य होती है, संहिता समास में
नित्य होती है और वाक्य में उसकी मर्जी, वाक्य तुषा विवक्षा अपेक्षते, मतलब वाक्य में जरूरी नहीं है क्यों हो, वाक्य में आप चाहें तो संहिता करें, आप चाहें तो ना करें। वाक्य में क्या होता है, विवक्षाधीन होती है, वाक्य में विवक्षाधीन होती है। अब मैं यहां विवक्षाधीन को नहीं लिखूंगा कि आपके मर्जी पर, क्योंकि बच्चे यही जाके गलत समझ जाएंगे कि अविवक्षाधीन का क्या मतलब होता है। मैं आप लोगों को लाइव क्लास से बता दे रहा हूं कि वाक्य में विवक्षाधीन होने का मतलब है कि वाक्य में उसकी आपकी मर्जी है कि आप संधि करें या आपकी मर्जी आप संधि ना करें। जैसे अत्र कह अस्ति, तो अत्र कह अस्ति, कह अस्ति में कह के बाद विसर्ग है फिर अस्ति है, तो कह का विसर्ग और अस्ति से मिलने पर जब आप देखेंगे पूर्व रूप संधि बन जाता है, कोस्ति बन जाता है, क्या होता है कोस्ति। तो आपके मर्जी पे है कि आप अत्र कह अस्ति लिखते हैं कि आप अत्र कोस्ति लिखते हैं, मतलब कह अस्ति को कोस्ति लिखा जा सकता है। तो अभी आप पे मर्जी पे है कि आप करें या ना करें, यही आपकी मर्जी का स्वतंत्रता पूर्वक आप कुछ करें या ना करें, यही विवक्षाधीन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं विवक्षाधीन। तो संहिता कपदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बारी बारी से क्या करूंगा कि संहिता एक पद में होती है तो एक दो एग्जाम्पल इसके, धातु उपसर्ग के बीच में होती है तो एक दो एग्जाम्पल इसके, फिर समास में होती है तो एक दो एग्जाम्पल इसके, और विवक्षाधीन होती है तो उसके एक दो एग्जाम्पल उसमें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो ध्यान समझना, मैं एक एक कर करके यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। संहिता या संधि जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक पद में नित्य होती है, तो एक पद में नित्य होती है तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जैसे पौधन अकह, पौधन अकह, इससे क्या बना लेते हैं आप लोग, जब बनाएंगे इसके पूरे प्रोसेस को बताएंगे, अभी आप बनाइए पावक, पौधन अकह बराबर पावक। ऐसे अगर हम कहें भोधन अनम बराबर भवनम, यह एक पद में हुआ है, ये देखो एक पद है ना ऐसा, तो यह एक पद के साथ ऐसे ऐसे पद मिले बने हैं, भवनम बन गया, तो यह हो गया एक पद संहिताय का पदे नित्या। दूसरा वाला अगर टाइप करें नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के बीच में लगता है ठीक, जैसे अधिधन आगच्छति, अधिधन आगच्छति यहां बन जाता है अध्यागच्छति, ठीक। ऐसे अगर आप बना सकते हैं नी, नी हो गया धन अवशत, यहां बन जाता है नेवसत। इसी तरीके से अधिधन आस्ते अध्यास्ते, क्या बनता है अधिधन आस्ते अध्यास्ते, तो उसको भी आप लोग समझ लेना। तो इस तरीके से जब आगे देखेंगे, यह क्या हो गया, पहला आपका हो गया उपसर्ग और यह हो गया आपका धातु, यह उपसर्ग यह धातु है क्रिया है, तो उपसर्ग और धातु के बीच में फिक्स है कि होगा, ऐसे नहीं छूटा रहेगा। अगर आप किसी वाक्य में आप देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा अधि गच्छति, सॉरी अधि अधिधन आगच्छति, ऐसे अलग अलग नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा अध्यागच्छति, क्या लिखा रहेगा अध्यागच्छति, कहीं वहां पे आप कभी देखेंगे ही नहीं कि अधिधन आगच्छति अलग अलग अधि और आगच्छति लिखा, ना वहां ऐसा नहीं लिखा, वहां जुड़ा है संधि हुई रहे। तो संहिताय कपदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, अब नित्या समासे, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल है देवस्य आलय, क्या है देवस्य समास आप करते हैं तो देवस्य आलय बराबर क्या करते हैं आप देवालय, समासिक विग्रह है या समास वाले में आप देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सामासिक विग्रह, अब अगर हम यहां पर संधि कार्य करें तो आप जानते हैं कि देवस्य आलय क्या होता है, देवालय होता है, जब आप इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं देव धन, अब ये संधि कार्य से आएगा
क्या बन जाएगा? देवालय। ये संधि कार्य होकर के आया है। यहाँ पे आप सामासिक पद है तो सामास वाले में ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जरूर संधि होती है, अर्थात देवालय बनेगा। तो देवस्य आलय से देवालय कैसे बनेगा? तो देवस्य आलय से देवस्य में देव है और आलय जो है आलय है, देव के अ से आ से मिल कर करके यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के देवालय बना है। तो यहाँ भी संधि जरूरी है, अर्थात समास में भी संधि क्या होती है? नित्य होती है। तो संहित पदे नित्या नित्या धातु सर गयो नित्या समासे। और वाक्य में क्या करेंगे? वाक्य तुषा विवक्षा अपेक्षते। अब वाक्य में क्या होती है? विवक्षाधीन होती है। तो अब यहाँ पे हम चौथी कंडीशन डालेंगे वाक्य वाली। तो वाक्य में जो विवक्षाधीन होती है, इसके लिए अगर हम बात करें तो हम लिखे हैं अत्र कह अस्ति, अत्र कह अस्ति। आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तब भी यह बिल्कुल सही है। अगर आपकी मर्जी है कि नहीं आप इसको यहां पर आप संधि कर दें तो आप लिख सकते हैं अत्र कोस्ति, यह भी सही है, दोनों सही हैं। आप इसको लिखें या इसको लिखें, यहां पर यह संधि के फलस्वरूप यहां प्राप्त हुआ है और वह विदाउट संधि। यह वाक्य में आपकी मर्जी आप करें या आपकी मर्जी आप न करें। वही कह धन अस्ति इस तरीके से अलग से रहता कह धन अस्ति तो आपको करना पड़ जाता, एक पद बना के करना पड़ जाता, लेकिन अत्र कह अस्ति लिख दिए हैं तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा जैसे रामः गच्छति वनम है तो बना दोगे रामो, विसर्ग का बदल जाएगा रामो गच्छति वनम। तो जब यह वाक्य में है तो आपकी मर्जी आप करें या ना करें। किसके बीच में? किसके बीच में? वाक्य का। ध्यान देना, वाक्य में संहिता या संधि विवक्षाधीन होती है, लेकिन आप वाक्य में आप उस तरीके की संधि न ले लेना जैसे मैं बताया हूं अभी, ठीक है? तो वहां पे अलग होती है। ऐसे अगर पद में है, धातु और उपसर्ग के बीच में आ रहा है तो वहां पे पक्का आपकी संधि कार्य होगा, ठीक? तो एक लाइन यहां से आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, क्या समझे होंगे कि संहिता पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तुवा विवक्षाम तुषा विवक्षाम पेक्षते। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कहाँ संधि होगा कहाँ संधि नहीं होगा, संधि के लिए क्या आवश्यक है, दो वर्णों का परस्पर अत्यंत समीप आना अर्थात संहिता होना जरूरी है और इसके फलस्वरूप आपकी संधि होगी। अब हम आगे समझेंगे कि जब संधि होगी तो उसमें होता क्या क्या है। संधि जब मिलेगा, जब संधि कार्य होगा तो क्या होता है? संधि कार्य होता है तो दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाते हैं, कभी कभी एक ही वर्ण का केवल बदलाव होता है, कभी कभी दो वर्णों के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि वे दोनों वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सब क्या क्या घटनाएं घटती हैं संधि होने में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वाले सेशन में, ठीक है? अगले वाले सेशन में आप अगले नेक्स्ट वाले वीडियोस में देखिएगा ध्यान से, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम संधि कार्य करते हैं, जब दो वर्णों को जोड़ते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होगा, तो विकार उत्पन्न में कैसा विकार होगा, किस तरीके का विकार उत्पन्न होगा, ठीक? उस पे अब हम चर्चा करेंगे अगले वाले सेशन। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों वर्ण जो होते हैं पूर्व वर्ण और परवर्ण, मतलब पूर्व और उत्तर पर जो भी है वर्ण, जो दोनों पहले और बाद वाले वर्ण, वे दोनों वर्ण जब जुड़ते हैं कंबाइन करते हैं तो दोनों में साथ साथ परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी दोनों के स्थान पर एक वर्ण आ जाता है, जैसे अभी आप देखे हैं कि अ के बाद में ई या आ के बाद ई आया तो ए बन गया, तो दोनों के स्थान पर एक हो गया, दोनों हटे एक आ गए। कभी कभी क्या होता है दोनों वर्णों से किसी एक में परिवर्तन होता है, एक वैसा ही रह जाता, ऐसा भी होता है कि एक तो आपका जो है परिवर्तित होगा और दूसरा वाला वैसे ही आ जाएगा, ये भी होता है। और एक चीज होती है कभी कभी, आप ध्यान समझिएगा कि दोनों दो वर्णों के बीच में एक नया वर्ण ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे क्या होता है वृक्ष छाया वाला, उसमें च अपने आप बीच में आ जाता है, वृक्ष और छाया के बीच में च आ जाता है। कभी कभी किसी एक ही वर्ण का द्वित्व हो जाता है, क्या होता है द्वित्व, द्वित्व मतलब रिपीटेड होता है, वही वर्ण दो बार आता है, जैसे एक अस्मिन धन अवसरे एक अस्मिन नवसरे, न न वहां दो हो जाता है, एक अस्मिन नवसरे द्वित्व हो जाता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टेप पे अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे संधि में होते क्या क्या। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा, आपके जो ही आप संधि का संधि विच्छेद या संधि शब्द देखोगे समझ जाओगे तुरंत कि यहाँ पे यह कैसे आया होगा, किस तरीके से यह बना होगा, क्या यह दो वर्णों से एक वर्ण बन के आया है,
क्या यह इसमें किसी एक ही वर्ण का विकार मतलब विकार चेंज होकर के आया है, क्या इसमें कोई द्वित्व वर्ण तो नहीं है, या फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ण तो नहीं आ गया है। ये सारी चीजें आप उस टाइम पर देख सकते हैं। जब वो संधि कार्य आप करोगे तो हम वहां पर बताएंगे इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपकी संधि में होती है, जब उसको आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो आगे वाले सेशन में हम बात करेंगे संधि में क्या परिवर्तन होते हैं, फिर संधि के भेद की ओर चलेंगे और एक एक संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।